ग्रेनाइट खान आवंटित कराने के नाम पर एक खुद को उच्च अधिकारी बताकर 2 करोड़ 65 लाख ट्रांसफर करवा कर ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। खुद को उच्च अधिकारी बताकर आरोपी ने 2.65 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए। इस संबंध में अशोक कुमार उम्र 43 साल पुत्र तारचंद महेश्वरी ने मकराना थाने में मामला दर्ज करवाया। पीड़ित अशोक ने रिपोर्ट में बताया कि वह मकराना के बापूजी का चबूतरा के पीछे रहता है, विद्याद में मार्बल कंपनी और ग्रेनाइट का काम करता है। व्यापार को बढ़ाने के लिए उसे ग्रेनाइट खान की जरूरत थी। इसके लिए उनसे अपने परिचितों को खान आवंटन कराने के लिए कह रखा था, लेकिन उनके नाम कोई खान आवंटित नहीं हुई। इसकी जानकारी मकराना के ही प्रेमाराम पुत्र शिवाराम को हो गई। प्रेमाराम ने उसे स्वयं की बड़े लोगों से जानकारी होने एवं खान आवंटित कराने वाले अधिकारियों से मुलाकात करवाने व खान से 100 गुना अधिक आमदनी होने का प्रलोभन दिया। उसने बताया कि करीब 2 वर्ष पहले प्रेमाराम अपने साथ सबलपुर निवासी भगवती प्रसाद शर्मा पुत्र गोविंद प्रसाद शर्मा को लेकर उसकी कंपनी आया। दोनों ने उसकी वार्ता उदयपुर खनिज विभाग के अधिकारी से करवाने को कहा। उन्होंने परिवादी की किशनगढ़ निवासी उमेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति से बात करवाई, जिसने स्वयं को खान आवंटित करने वाला मुख्य अधिकारी और उदयपुर में कार्यरत होना बताया। उमेश शर्मा ने परिवादी से खान आवंटित करने के नाम पर समय समय पर अलग अलग बैंक खातों में RTGS चेक आदि के माध्यम से रुपए ट्रांसफर करवाए। परिवादी ने बताया कि आरोपी उमेश शर्मा के कहने पर उसने संपत वैष्णव, भगवती प्रसाद शर्मा, अंकित शर्मा, कुंज बिहारी शर्मा, सुरेश शर्मा, कमलेश शर्मा, विष्णु शर्मा, राकेश शर्मा, पूनम शर्मा, रमेश शर्मा, योगेश खत्री, उमेश शर्मा, बालकिशन शर्मा, सुनीता शर्मा, राजेश शर्मा, दिनेश शर्मा, जयप्रकाश शर्मा के खाते में 2 करोड़ 65 लाख 47 हजार 500 जमा करवाए। परिवादी ने बताया कि आरोपी ने उसे व्हाट्सएप पर खान आवंटित करने के फर्जी दस्तावेज व ईसी भी भेजे। खान आवंटित नहीं होने पर उसने लगातार आरोपी से वार्ता की तो धोखाधड़ी का पता चला, जिसके बाद उसने अपने भाई विजय कुमार जाजू अकाउंटेंट के साथ बात की तो आरोपियों ने अपनी गलती मानी और प्रतिमा रुपए देने का आश्वासन दिया, परंतु उसको झांसा देते रहे और करीब 4 माह पूर्व आरोपी ने उसे रुपए देने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने पुलिस को रिपोर्ट देकर अपने रुपए वापस दिलवाने की कार्रवाई करने की मांग की। मकराना थाना अधिकारी प्रबोध शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420 और 120 में मामला। परिवादी अशोक कुमार जी, जो आपके साथ ये 2.5 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसमें FIR दर्ज हुई है, उसके बारे में आप जानकारी दें। हमारे पास में सबसे पहले प्रेमाराम बडालडा के द्वारा जो संपर्क हुआ, उससे हमने माइनिंग लीज बनवाने के लिए बात करी और उन्होंने कहा था कि मेरे पास एक बंदा है, वो बंदा पूरी माइनिंग लीज वगैरह बनवाता है, करता है, और उस बंदे से मैं आपको 1-2 दिन में संपर्क करवाता हूँ। वो 2 दिन बाद में मेरी फैक्ट्री में सबलपुर निवासी भगवती प्रसाद शर्मा को मेरी फैक्ट्री लेके आया और वो आया तो उससे सारी वार्तालाप हुई। सब वार्तालाप होने के बाद में उसने कहा था कि मैं उदयपुर जाके आपको, अब जो माइनिंग अधिकारी है उनसे मैं आपको बात करवाऊँगा और उनसे आप अपनी बताना कि आप कौन सी लीज कैसे क्या चाहते हो, क्या है क्या नहीं। तब फिर उसने वहाँ पे जाके मेरे को माइनिंग अधिकारी से वार्तालाप करवाई और वो हमें मालूम नहीं वो माइनिंग अधिकारी था या नहीं था, लेकिन वो हमारे को ये कह रहा था कि ये माइनिंग अधिकारी है, इनसे बात करो। सेकेंड डे उसने मेरे को लगभग 9-9:30 बजे अपने फोन से उसने बात करवाई थी और उसने बात करवाने के बाद में उसने माइनिंग अधिकारी ने ये कहा कि हम 2-4-5 रोज के अंदर आपके उधर आएंगे, तब मैं आपसे समक्ष बैठ के मीटिंग करूंगा। तब फिर वो ऋषि पंचमी के दिन 2021 ऋषि पंचमी के दिन किशनगढ़ हरमाड़ा चौराहे पे वो गाड़ी लेके, मैं गार्ड के सुधा बंदूकधारी गार्ड
कुंज बिहारी शर्मा ड्राइवर और एक अंकित शर्मा, सब लोग ये साथ में आए। वो ये लोग जो भगवती प्रसाद शर्मा मेरे घर से मेरे को साथ में लेके किशनगढ़ हरमाड़ा चोराया गया, और वहाँ पे जाने के बाद में वो सब लोग माइनिंग अधिकारी बता रहा था भगवती प्रसाद शर्मा, और उन लोगों से मेरी वार्तालाप हुई। वहाँ पे उनके साथ में कुछ पेमेंट का भी लेन देन हुआ था और ये सारी माइनिंग लीज बनवाने के लिए बात की। फिर बाद में इन्होंने मुझे जयपुर सचिवालय के बाहर भी इन्होंने मेरे से पेमेंट का लेन देन किया था, बुला के जो माइनिंग अधिकारी बन के आया था मेरे पास में वो खुद वहाँ पे आया, वहाँ पे उसने मेरे से पेमेंट का लेन देन किया। एक बार गया, सेकेंड बार गया तो वहाँ पे कोई दो अन्य व्यक्ति आए थे, उन्होंने ये कहा था कि ये माइनिंग अधिकारी ही के अंदर बाबू वगैरह ये पोस्टिंग पे है, इन लोगों को ये पेमेंट दे दो, ठीक है, और ये आपकी माइनिंग एज के अंदर पेमेंट काम में आ रहा है, वहाँ पे सर वहाँ पे डिपॉजिट होगा, ये कह के उन्होंने मेरे से पेमेंट किया। फिर बाद में इनसे रेगुलर मेरा संपर्क का, और धीरे धीरे ये मेरे से पेमेंट लेते गए करते गए, इन्होंने कभी कुछ